हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिका स्टाइल। और मैं ज्योतिका, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो टाइटल देखे आप लोग को पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, ये वीडियो है मेरे बैग, मेरे व्हाट इज इन माय बैग के ऊपर। सो जैसे कि कुछ टाइम पहले यूट्यूबर्स, सेलेब्स और ये सब की वीडियो काफ़ी ट्रेंड में थी और अभी भी है, व्हाट इज इन योर बैग। सो उन्होंने इस वीडियो में दिखाया है कि वो अपने बैग में क्या क्या लेते हैं, क्या क्या कैरी करते हैं और उनका बैग क्या है, कैसा है। सो मैं भी ये आज का टॉपिक इसी के ऊपर रहने वाला है। सो मैं बता दूं कि मैं एक 9 मंथ की डॉटर की मदर हूँ। सो मेरा ये वीडियो मेरे डॉटर और मेरे दोनों के रोल में रहेगा। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो विदाउट फॉरगेट एंड डू, लेट्स गेट स्टार्टेड व्हाट इज इन माय बैग। सो सबसे पहले ये मेरे पास ये एक लावी का बैग है और मैंने ये रिसेंटली परचेस किया है। तो सबसे पहले मेरे बैग में जो है, मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरा ये वॉलेट, ये एक मेरा छोटू सा वॉलेट है जो हमेशा मेरे बैग में रहता है। और इसमें इसी में मेरे सारे कार्ड्स, मेरे पैसे और मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब मेरे इसी वॉलेट में रहते हैं। ये मैंने लोकेट मार्केट से परचेस किया था। नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है ये मेरा मेकअप पाउच। ये मेरा मेकअप पाउच मैंने ऑनलाइन परचेस किया था। ये मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। और अगर आप इसमें मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट है रिसेंट। वैसे मैं जनरली मैं इसको कैरी नहीं करती, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ट्रैवलिंग के लिए जाती हूँ तब मैं इसको मैं कैरी करती हूँ। अदरवाइज मैं अगर मैं कहीं लोकल में जा रही हूँ तो मैं इसको कैरी नहीं करती। नेक्स्ट जो है मेरे बेबी का ये डायपर पाउच है। इसमें मेरी बेबी की कुछ इसेंशियल्स और कुछ सामान रहते हैं जिसको मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये दो डायपर है मेरे बेबी के लिए। अगर मैं इसी में रखती हूँ क्योंकि अगर मुझे कहीं फटाफट जाना रहा तो मैं कहाँ से इधर से मैं ढूंढूँ नहीं, इसलिए इस डायपर को मैं इसी बैग में रखती हूँ। और उसके बाद मेरे बेबी के कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। दो हैं, एक ऑइंटमेंट है जो मुझे अभी मिल नहीं रहे हैं, बट ये एक ऑइंटमेंट है, ये उसके कोल्ड की ऑइंटमेंट है। उसको हम अगर कहीं पे जाती है, अगर उसका पानी चेंज होता है तो उसको बहुत ही जल्दी कोल्ड हो जाता है। सो ये उसके लिए मैं हमेशा अपने बैग में ये न्यू बॉटल मैं रखती हूँ, मैं इसको बैग में ही रखती हूँ। हाँ, मिल गई। और ये उसके ऑइंटमेंट है, ये रैशेज ऑइंटमेंट है। मैं इसको अगर डायपर यूज़ करती हूँ, पहनाती हूँ तो शायद ज़्यादा गर्मी अगर पड़ती है तो उसको रैशेज हो जाते हैं, तो ये उसके लिए रैशेज ऑइंटमेंट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरी बेबी की गॉगल्स हैं, फेसेस है। ऐसे ही बस इसके डायपर बैग में पड़े रहते हैं, यूज़ हुआ तो ठीक है, अगर ज़्यादा अदरवाइज वो इसी में रहते हैं। तो ये था मेरे बेबी का डायपर पाउच। सो इसके अलावा मेरे बैग में जो है एक हैंकी है जो सब आई थिंक सबको कैरी करना चाहिए। एक हैंकी तो सबको कैरी करना ही चाहिए। उसके अलावा मेरी मेडिसिन्स है, ये ऐसी नॉर्मल सी मेडिसिन्स है, मतलब सर दर्द हुआ या फिर फीवर है या फिर कुछ भी है तो ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन्स है। सो हमेशा ये मेरे बैग में रहती है। उसके अलावा मेरे पास जो है, जो मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था, ये 2 केसेस है। एक ये केसेस ज़्यादा अगर थूप रहा तो केसेस है, और एक ये स्पेक्स टाइप केसेस है, ये भी देख सकते हो आप। सो ये मेरे पास
टू केसेस हैं जो मैं हमेशा मेरे बैग में रहती है। इसके अलावा मेरे पास आई थिंक जो सब सारी लड़कियों के पास रहते हैं रहना चाहिए वो है ये रबर बैंड। मेरे पास ये टू रबर बैंड्स हैं जो हमेशा मेरे बैग में ही पड़े रहते हैं अगर मैं अपने बाल ओपन करके जाती हूँ, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको टाई करने के लिए ये टू रबर बैंड। आई थिंक सभी जितनी भी लड़कियों की मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनके बैग में ये रबर बैंड तो ज़रूर ही मिलेगा। सो ये दो रबर बैंड है और क्लचर भी होते हैं मेरे बैग में बट अभी नहीं है शायद। हाँ सो ये रबर बैंड और रबर बैंड है तो जाहिर सी बात है कॉम भी होना चाहिए। तो ये कॉम है मेरे बालों के लिए। ये बहुत ही ये मुझे क्या बोलते हैं डव के डव का जब मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा था तो उसमें ये कॉम मुझे फ्री मिला था। सो ये कॉम है। और दूसरा और ये है मेरा कॉम्पैक्ट। ये 9 to 5 का कॉम्पैक्ट है क्योंकि मैं अगर मैं जनरली अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ अगर लोकल में जा रही हूँ तो मैं अपना वो मेकअप पाउच तो कैरी करती नहीं तो उसके लिए ये एक कॉम्पैक्ट है और एक लिपस्टिक जो हमेशा मेरे बैग में रहती है। ये लॉरेल पेरिस की लिपस्टिक है तो हमेशा ये मेरे बैग में रहती है। और इसके अलावा मेरे बैग में और क्या है इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी हम लड़कियों को इसके बिना काम ही नहीं चलता वो है मेरा स्मार्टफोन। ये फ़ोन है जो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। सो ये स्मार्टफोन। सो बस दैट्स इट। खाली है ये। ओके सो ओवर। सो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ रहती हैं और ये है मेरा व्हाट इज़ इन माय बैग। इतना ही मेरी कैरी करती हूँ, कुछ नहीं है। और हाँ ये रहा मेरा मेकअप पाउच। अगर आपको मेरे मेकअप पाउच के बारे में अगर पाउच के बारे में अगर जानना रहा कि मैं इसमें क्या क्या कैरी करती हूँ मेरे क्या क्या मेकअप कलेक्शन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं अलग से इसका सेपरेट वीडियो बना दूँगी कि मैंने अपने मेकअप पाउच में क्या क्या कैरी करती हूँ। सो दैट्स इट। बस नहीं था मेरा एंड व्हाट इज़ माई बैग का कलेक्शन। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी मेरे नीचे स्क्रीन पे शो कर रही होगी। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।